बेटी हुई तो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। कब लगी तुम्हें चोट? 24 घंटा पहले। अच्छा एक बात बताइए, ये डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? नहीं, चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। क्या रे? ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, एक झापड़ में सारी चर्बी उतार देंगे। मैडम मेरा चर्बी कम कर दीजिएगा। नो। अरे डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट देखें। हाँ देखें, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी? कितना खर्चा हो जाएगा? लगभग 9,46,000। 9,46,000? अरे डॉक्टर साहब इतना पैसा मैं तो किया सोनेट आ जाएगी, वो भी सनरूफ वाली। हाँ वही गाड़ी लेनी थी। अरे भाई क्या बन रहा है? दिख नहीं रहा है, गैस पे चाय बना रहे हैं। साला ये दुनिया सच में गोल है। वो कैसे? गैस पे चाय बनता है, फिर चाय पीने के बाद गैस बनता है। अरे दीदी मैं अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये लड़का उस लड़की से बात कर रहा था। चुप, एकदम चुप, इज्जत एकदम दे, गुस्सा मत कर। मैं खाली हाथ चुप, मेरा हाथ चुप, मैं बोला हाथ चुप। शर्म नहीं आती ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसी मालदार खानदानी लड़की। बाबूजी अब हम सयान हो गए, अब हमरो बारे में कुछ सोचिए। अरे हम सोच रहे हैं बेटा कि कोई अधिकारी अधिकारी से बोल के और तुम्हारा नौकरी लगवा दे। हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं बाबूजी, नौकरी की बात। हेलो भाई, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, बताना उसको कैसे पटाऊं। क्या वो लड़की ऑनलाइन दिख रही है? हाँ दिख रही है, दिख रही है। हाय भी मैसेज कर दिया। नहीं करना था। अब वो लड़की अपने आप को हीरोइन समझेगी, अब तुम उसे भूल जाओ। काशीनाथ आज तुम्हारी सैलरी आई है, पार्टी वार्टी का क्या सीन है? इस बार सिर्फ 5,000 सैलरी आई है कातिया। चलो पीने की पार्टी रहने दो भाई, कम से कम एक पिज्जा तो खिला दो। गधे का गोबर खा ले कातिया। यार लग रहा है झगड़ा हो गया। ओ भाई ओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे? भाई साहब रास्ता पूछ रहा हूँ, रास्ता ही नहीं बता पा रहा है। क्यों भाई? भाई बाजार चलेगा? नहीं भाई बहुत काम है। 2 समोसा खिलाएंगे? भाई इसे चलाते कैसे यार? देख कुछ नहीं करना, ये गियर है, गियर डालना और हल्के से क्लच छोड़ना है, ठीक है? हाँ चलाते समय लड़की नहीं देखना है। नहीं मैं नहीं चला रहा। अबे साले कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे भाई पार्क जा रहे, चलेगा क्या? नहीं भाई घर में बहुत काम है। अरे भाई काजल भी आ रही है।
भैया हो, क्या हुआ रे? इस बार होली खेलिएगा ना? हाँ खेलेंगे रे। काहे पूछ रहा है? कैसे कहे रे? कहो भाऊजी को रंग लगाने दीजिएगा ने। भाई कहाँ जा रहे इतने गुस्से में? भाई थाने में जा रहा हूँ। क्यों भाई? मेरा दोस्त रील शेयर करे जा रहा है, मेरे पेपर आ रहे हैं, मेरे बाप मेरे को मार रहा है। धैर्य 506 की धारा लगवा के आ रहा हूँ। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मोबाइल नंबर ही दे दो, दुआ भी करूंगा, मैसेज भी करूंगा। झगड़ा करेगा? मुन्ना झगड़ा नहीं करता, मुन्ना सिर्फ पीटता है। अरे भाई आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। नहीं। क्यों? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ दोस्ती नहीं। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। इस दिन पैदा हुआ था मैं 3 मई में। डॉक्टर ने मेरा चेहरा देख के मेरे घर वालों को बता दिया था। बधाई हो, आपके घर छपरी पैदा हुआ है। हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान ला के चाय बना के पीता, लेकिन मैं कावा जरूर पीता। मैं मदारी जादूगर, बोलो क्या चीज है? ये उर्फी जावेद है, देखो पन्नी पहनी है। नहीं, ये गुड़िया है। ये गुड़िया तुम बोलो है? तो उसे मार दूं? नहीं मारो मत। तुम बोलो तो उसका जोड़ा बना दूं? तुम बोलो तो उसको परी बना के आसमान में उड़ा दूं? नहीं, इसका जोड़ा बना दूं? जोड़ा बना दूं? ये ईटा रखा, ये मंत्र मारा, फू हा, रोड़ा बन गया। तुम बोलो तो दिखा दूं? नहीं, इसका बच्चा करा दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये नंबर का चश्मा है? हाँ। ये कितने हैं? सिर्फ नजर कमजोर है मेरा, अंधा नहीं हूँ मैं। क्यों? ये कितना रख? एग्जाम में फेल होने के बाद मेरा बाप, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, शहर निकल जाओ यहाँ से। अरे माँ, मैं पापा, हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? है? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ दोस्त रहता हमारा सिद्धू, मदद करेगा हमारी, लाखों कमाएंगे, राजा की तरह रहेंगे, समझे? और आप यही ना मास्टर गिरी फुरफुर करते रहना यहाँ मिस्टर रामदेव शास्त्री। क्या है बे, चलवा गया से? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अरे भैया जरा ये एड्रेस बताना यार। अरे भैया यहाँ से लेफ्ट ले लेना। अरे इधर से पूछा रे। अरे भैया तू बता दे यार। अरे भाई तू ही बता दे यार। क्यों? हेलमेट का कहाँ जा रहा है? हेलमेट खरीदने। हेलो।
हेलो दोस्तों, दो जा रहे हैं घर झुराने के लिए और सजमन झुरा भी टूटेगा इसलिए चलिए। ओह नो, क्या हुआ, बोल दिखी नहीं क्या? ओए, ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगले वाले तुझे नहीं दिखेगी। अबे विराट कोहली के औलाद, ये लास्ट ओवर का लास्ट बॉल था। आपको मम्मी से गालियाँ खाकर बुरा नहीं लगता क्या? वो एक हैबिट है। हैबिट है? वो एक हैबिट रहता है जो कि वाह वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे गिरा हूँ बहन के लेफ्ट। ए भाई हट हट हट, मेरा बैटिंग है यहाँ पे। तो आप साले यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ जाओ ना। हाँ जाओ वहाँ जाओ। No. अरे भाई बिस्किट देना। अरे भाई कौन सा वाला? खाने वाला। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जब रात को मेरा दोस्त घर पर अकेला होता है तब आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 4 ID 20 follower, फिर भी किसी को पता नहीं मैं वीडियो कहाँ पोस्ट करता हूँ। समझ में आया कि मैं कौन हूँ? अब बाबू भाई है, आपका 4 ID है, फिर भी किसी को पता नहीं कि आप वीडियो कहाँ पोस्ट करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कौन है वो गदर, कौन है? अरे भाई साहब एक कोल्ड ड्रिंक दे दियो 60 वाली उधार। खत्म होगी भाई? नहीं ना। अरे दे दो यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पैसा दूंगा। लिख लियो खाते में। आराम से बैठिए लो कश की चुक कश। राजा बाबू के सामने से हट, समझते नहीं है यार। आज तेरा चलान कटेगा। चलान कैसे कटेगा सर? मेरे पास गाड़ी का कागज है, लाइसेंस है और हेलमेट भी पहन रखा है। अच्छा, गाड़ी का कागज और लाइसेंस दिखा। तो अभी दिखाते हैं सर। दिखाओ। ये देखिए सर, लाइसेंस और कागज तो ठीक है, लेकिन फिर भी तेरा चलान कटेगा। वो कैसे सर? कैसे कि कागज और लाइसेंस पन्नी में है और पन्नी बेन है। अबे धक्का कैसे मारा तूने? कौन है तू? अबे तू हमें नहीं जानता हम कौन है ना? अबे तू हमें नहीं जानता हम कौन है ना? तो ठीक है, हम तुझे नहीं जानते, हिसाब बराबर। आज तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है सर, जब मौत मेरे सामने आए तब मैं डरा हुआ ना लगूं।
लेकिन एक सेकंड कितनी देर से बोल रहा हूँ खम्बा है खम्बा है खम्बा, मुझे लगा तू कह रहा कम बैक कम बैक। हाँ तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। और भाई साहब आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। भाई क्या हुआ? ये ले जहर। अबे पागल है क्या, तुम मेरे को जहर क्यों दे रहे? भाई दरअसल ना मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए था। अरे यार मेरे पास तो जहर खाने पागल है क्या? चल साले रुको जरा, हम पहले ही तीन बैठे तुझे सिर पे बैठा हुए टूट गया। अजीत खड़ा हो, चलो बताओ दिया क्यों जलती है? सर क्योंकि मैंने पूजा को पटा रखा है इसलिए। क्या बात है, इधर आ बेटा। गलत सलाह पढ़ना लिखा तो है नहीं, लकी पटेल बूते। बस दो मिनट और, बस दो मिनट और चाचा, आपका ये बेटा आपको बचा कर रहेगा। मैं रहूं ना रहूं चाचा आपको जिंदा रहना होगा, यहाँ से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस दो मिनट रुक जाइए चाचा। तू जो भी है जहाँ भी है जो भी करता है बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा। खत्म। अरे अरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तो हो गया, अभी तू क्या करते यहाँ पर? कुछ तो नहीं भैया, पैसा निकाल अंदर, देखे 50 रुपया मेरा? नहीं तो, नहीं तो हम पुलिस है रे। अरे भैया, अरे नहीं भैया। कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहे रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अच्छा तो कल सुबह फांसी देना कैंसल, आज शाम में देंगे। लेकिन चलो चल दे मेरे पैसे निकल। ए धनिया इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है आदमी मर जाता है। 18 जानता है भाई? कौन सी भाई? हम बचपन से वो चीज नोटिस करते आ रहे बेटा। कौन सी रे? कि साला जब भी कोई नया साल आया है ना बे, हाँ 365 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। डॉक्टर साहब मेरे रिपोर्ट में क्या निकला? देखो तुमको दिमाग के डॉक्टर से दिखाना होगा। तो क्या आपके पास दिमाग नहीं है? अगर इसे छोड़ दिया
तो ये गाली दे के भाग जाएगा। ऐसे ही है थोड़ेगा, बहुत गंदी गाली दे के भगता हूँ। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। अच्छा। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी